हेलो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारे अपडेट ऑल ओवर इंडिया से दिए जाते हैं। तो आज की जो अपडेट है वो एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन से रिलेटेड है जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी से आई है कि फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आप कैसे अप्लाई करेंगे, क्या एप्लीकेशन फ़ीस है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में पीएचडी एडमिशन होने हैं और किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट है, ये फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, मैं कविता कुसुम अपने इस यूट्यूब चैनल कविता हार्डो क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट बार मेरे चैनल पर हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं तो उसकी इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस चैनल पर आपको ऑल ओवर इंडिया से पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन एंड टीचिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारे अपडेट मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से यूजीसी नेट सेट या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप अदर सब्जेक्ट से पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हैं। तो गाइज, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल बटन को प्रेस कर दें। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। तो कंटिन्यू करते हैं इस इन्फॉर्मेशन को। गाइज, ये यूनिवर्सिटी है आपकी पटना यूनिवर्सिटी, इसको नैक के द्वारा बी ग्रेड मिला हुआ है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.pup.ac.in को जब आप ओपन करेंगे तो ये होम पेज आपका ओपन होके आएगा। यहाँ पर आपका लिंक दिया हुआ है, लिंक फॉर पीएचडी एडमिशन एंड साथ ही यहाँ पर आपका पीएचडी नोटिस फॉर पीएचडी प्रोग्राम पटना यूनिवर्सिटी दिया हुआ है। जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ओपन होके आएगा। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डालना है और इसको लॉग इन करना है। देन आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, फिर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी आएगी एंड फिर आप अगेन फेस को लॉग इन करके अप्लाई कर पाएंगे। इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ एडमिशन नोटिस दिया हुआ है, इसको आपको क्लिक करना है। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन नोटिस शो होगा, एडमिशन नोटिस फॉर पीएचडी प्रोग्राम पटना यूनिवर्सिटी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम लेटेस्ट बाय 17 जुलाई। 17 जुलाई तक आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इस जगह आपको एक पॉपअप मैसेज लिंक होगा, यहाँ आपका लिंक फॉर एडमिशन दिया हुआ है, यहाँ पर गाइडलाइन दी हुई है, इसको आपको क्लिक करना है। ये गाइडलाइन है यहाँ की, 20 जून को ये आई है। द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड पैट नेट जेआरएफ हैव बीन इनवाइटेड फॉर एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम टिल जुलाई 17, 2023। जुलाई 17 तक आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। और वे स्टूडेंट जो कि पेट नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड हैं वे स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड डिपार्टमेंट को देख लें, सीट को देख लें। सब्जेक्ट है आपका जियोग्राफी जिसमें कि 16 सीट है, हिस्ट्री में 4 सीट है, इकोनॉमिक्स में 18 सीट है, साइकोलॉजी में 9 है, सोशियोलॉजी में 13 सीट है, एंशियंट हिस्ट्री में 6 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 26 है, होम साइंस में 16 है, पीएमआईआर में 6 है, अरेबिक में 3 है, संस्कृत में 16, उर्दू में 23, मैथिली में 1, हिंदी में 13, पर्सियन 15, इंग्लिश में 40, म्यूजिक में 7, फिलोसफी 20, कॉमर्स में 9, बॉटनी में 40, केमिस्ट्री में 77, जियोलॉजी में 28, फिजिक्स में 45, मैथमेटिक्स 28 एंड स्टेटिक्स में 10 सीट है, लॉ में 16 सीट है, जियोलॉजी में 32 सीट है एंड एजुकेशन में 17 सीट है। टोटल 28 डिपार्टमेंट में पीएचडी एडमिशन होने हैं। यहाँ मार्क के अकॉर्डिंग कैसे आपको वेटेज मिलेगी वो दिया हुआ है। अगर 50% से अधिक और 55% से कम नंबर है आपको तो आपको 40 वेटेज मिलेगी, 55% से अबव एंड लेस देन 60% है तो 45 मिलेगी, 60% से अबव एंड लेस देन 65 है तो 50 मिलेगी,
इस तरह से 80% एंड एवव है तो 70 मिलेगी, एलिजिबिलिटी विदाउट फेलोशिप अगर आप हैं तो 5 मिलेगी एंड JRF के साथ हैं तो 10 मिलेगी। इंटरव्यू के मार्क्स जो है 20 है, टोटल 100 मार्क्स हैं। एंड इस तरह से मार्क्स के साथ स्टूडेंट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा एडमिशन के लिए। एंड वन मोर थिंग कि 10 मार्क्स उनको मिलेगा जो कि यहाँ पर टीचर या नॉन टीचिंग पोस्ट पर एम्प्लॉई हैं, मोर देन 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है अगर उनको, अगर 3 साल से ज़्यादा आप टीचिंग या नॉन टीचिंग पोस्ट पर यहाँ पर एम्प्लॉई हैं तो आप 10 मार्क्स मिलेंगे। ओके गाइज, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लेंगे इस गाइडलाइन को एंड नोटिस को भी डाउनलोड करेंगे, अच्छे से रीड कर लेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ ऑल 28 डिपार्टमेंट में अच्छी खासी सीट है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी, अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।